Hi everyone, I am Aman. Welcome back to my YouTube channel. So, जब भी हम माँ बनते हैं और हमें पता चलता है कि हम माँ बनने वाले हैं, हम कंसीव कर चुके हैं, हमने पहली बार बेबी की धड़कन सुनी है, तो इसके बाद जो सबसे बड़ी स्पेशल चीज होती है वो अपने बेबी को महसूस करना, यानी कि उसकी किक को फील करना, उसकी मूवमेंट को अपने अंदर महसूस करना होता है. और ये हर माँ के लिए एक मैजिकल मोमेंट होता है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्पेशल होता है. अब यहाँ पर बहुत सारी जो लेडीज हैं उनको ये नहीं पता होता है कि बेबी की जो मूवमेंट होती है ये कैसी होती, खास करके अगर वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, यानी फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट हुई हैं, उनको नहीं पता होता है, नहीं समझ पाती हैं. तो ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमारी जो बेबी मूवमेंट है वो शुरू हो गई है और बेबी किक स्टार्ट हो गए हैं, या फिर कब ये जो मूवमेंट है वो कब से शुरू होती है और बेबी का जो किक होता है, किक मारना जो होता है वो कब से शुरू होता है. और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं लेडीज के माइंड में होते हैं. आई एम श्योर अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट है तो आपके माइंड में भी ये चीज रही होगी. सो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगी और आज इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगी कि बेबी की किक्स आप कैसे पहचान सकते हैं, बेबी की मूवमेंट कैसी होती हैं, बेबी की किक्स आप कैसे काउंट कर सकते हैं और कब से आपकी जो बच्चे की जो मूवमेंट होती है, जो घूमना होता है बच्चे का, वो कब से शुरू होता है. तो चलो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं. पर अगर आप यहाँ पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हिट द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव से वीडियो रिलेटेड टू मैटरनिटी, प्रेगनेंसी, मॉमी टॉक, पेरेंटिंग एंड लाइफस्टाइल. तो ये जो बेबी मूवमेंट होते हैं, बेबी का घूमना जो होता है, बेबी की जो हलचल होती है, ये जनरली 16वें से 22वें हफ्ते में आ जाती है, होना शुरू हो जाती है. बहुत सारे लेडीज को ये मूवमेंट, ये हलचल पहले पता चलने लगती है और बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा समय लगता है. ये डिपेंड करता है बेबी के ऊपर, बेबी किस तरीके से मूव कर रहा है, बेबी का डेवलपमेंट कैसा है और आप क्या उस हालत में हो कि आपने अपने बेबी की हलचल पहचानी है या नहीं पहचानी है. अक्सर क्या होता है कि लेडीज बहुत बिजी होती है घर के काम में और अगर वो वर्किंग है तो बाहर के काम में बहुत बिजी होती है, तो वो जनरली ध्यान ही नहीं दे पाती हैं कि उनके बच्चे ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है. अब जब आप पहली बार प्रेग्नेंट होते तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे कि ये पहचानने में कि ये आपकी बेबी की मूवमेंट थी या क्या था, क्योंकि हर चीज नई होती है आपके लिए, है ना. तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समय लगे, थोड़ा सा देर से आपको पता चले, नया है आपके लिए तो आप इतनी जल्दी समझ नहीं सकते हो. वहीं दूसरी बार या तीसरी बार जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आपको काफी कुछ पता चल चुका है कि कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं, तो आपको हो सकता है जो मूवमेंट है वो थोड़ा जल्दी फील होना शुरू हो जाए और आप अच्छे से समझ पाओगे कि आपकी जो बेबी है, आपका जो बच्चा है, वो अब मूव करने लग गया है, वो घूमने लग गया या फिर उसने किक मारना शुरू कर दिया. मेरी पहली प्रेगनेंसी में मुझे मेरे बच्चे की मूवमेंट तो उतने अच्छे से नहीं पता, लेकिन जब उसने पहली किक मारी थी वो था मेरा 5वां महीना चल रहा था जब मुझे पहली किक पता चली थी. और इस बार की प्रेगनेंसी में मुझे मेरे 4थे महीने के खत्म होने के बाद से ही मुझे बच्चे की जो हलचल थी वो एकदम साफ पता चलने लग गई थी. बिल्कुल क्लियरली पता चलता था कि पीठ में कुछ है जो हलचल कर रहा है, जो थोड़ा सा मूव हो रहा है. और वहीं जब मेरा जो 22वां-23वां हफ्ता चल रहा था उसी हफ्ते में मुझे बच्चे की क्लियरली किक पता चली है ऊपर से. मतलब किक तो आना शुरू हो गई थी पहले ही, बच्चे ने लाते मारना स्टार्ट कर दिया था, घूमना शुरू कर दिया था, लेकिन जो एक स्किन के ऊपर से जो किक पता चलती है ना कि बच्चे ने ऐसा किक किया और ऊपर से आपको फील हुआ, वो मुझे 23वें हफ्ते के आसपास फील हुई और वो बहुत ही मैजिकल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि इस बार मैंने हर चीज अच्छे से मॉनिटर करी. तो जनरली 22वें से 25वें हफ्ते के बीच में जो बेबी किक्स होती हैं ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आने लग जाएगी. बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके बेबी ने अंदर से किक करे, कुछ हिट हुआ, कुछ पुश हुआ और एकदम से ऐसा जो हिट वाली फील होती है ना वो आपको फील होने लग जाएगी. तो आप समझ सकते हो कि अब आपका बच्चा हाथ पैर हिला रहा है, पैर मार रहा है और घूमने की कोशिश कर रहा है. अब क्वेश्चन आता है माइंड में कि अपने बच्चे की जो हलचल है, जो बच्चे का घूमना है या फिर किक, हम इसे किस तरीके से पहचाने और किस तरीके से आइडेंटिफाई करें. शुरुआत में तो थोड़ा मुश्किल होता है पहचानना और धीरे धीरे समझ में आने लगता है. तो आपको क्या करना है कि अब आपको ध्यान देना है. कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अर्ली ऐसा फील होने लगता है कि नहीं यार 3रा महीना चल रहा है और हमको हलचल फील होने लग गई है बच्चे की, तो ऐसा नहीं होता है. क्योंकि आपको पेट में गैस हो रही है और एसिडिटी हो रही है तो उसके वजह से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपके पेट में थोड़ी सी आपको हलचल सी महसूस हो रही हो, वो बेबी किक्स या बेबी मूवमेंट नहीं होते हैं.
अब आपको यही ध्यान रखना है, सपोज आपका 22वां हफ्ता शुरू हो गया, अब अभी भी अगर आपको एकदम क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है कि हमें बेबी केक शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर बेबी मूवमेंट हमारा शुरू हुआ है या नहीं, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप खाना खा रहे हो, दिन का मील ले रहे हो या फिर रात का मील ले रहे हो, तो खाना खाने के 30 से 40 मिनट में आपको बेबी का जो मूवमेंट होगा वो महसूस होगा, बेबी की जो किक होगी वो महसूस होगी। अगर आपका बच्चा मूव करने लगा होगा तो आपको बच्चे की मूवमेंट फील होगी, और अगर आपका बच्चा किक करना स्टार्ट करने लगा होगा तो आपको बच्चे की किक डेफिनेटली फील होगी। कुछ केसेस में क्या होता है कि बच्चे रात में ज्यादा मूव करते, यानी कि जब आप सोने के लिए लेटते हो, रिलैक्स होते हो, तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आपकी गर्भाशय की थैली में एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो स्थिर हो जाता है, तब बच्चा मूव करता है, और इसीलिए बोलते हैं कुछ बच्चे रात में ज्यादा मूव करते हैं। तो आप ये ध्यान देना कि हो सकता है कि आपका जो बेबी है वो दिन के बजाय रात में मूव करता हो। अब यहाँ एक बात और ये है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का जो घूमने फिरने का नेचर होता है वो एकदम अलग होता है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हर बच्चे का एक पैटर्न होता है, एक समय होता है जब वो हलचल करता है, जब वो घूमता है, जब वो हाथ पैर हिलाता है या फिर वो पेट में इधर उधर होने की कोशिश करता है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचे कि किसी लेडी को अगर इस समय पर मूवमेंट फील हो रही है, इस वक्त फील हो रही है, तो आपको भी उसी वक्त फील हो। आपका हो सकता है कोई दूसरा समय है बच्चे का, उसे किसी और समय अच्छा लग रहा है मूव करना, तो उसी हिसाब से उसका पैटर्न अलग हो सकता है। अब एक और बात आती है कि बच्चे की जो मूवमेंट है उसे हम किस तरीके से काउंट करें। जब आप छठा महीना आपका पूरा हो जाता है तो इसके बाद जो आपके बच्चे की मूवमेंट होती है वो काफी बढ़ जाती है, किक्स काफी बढ़ जाते हैं, और छठे सातवें महीने के बाद डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि आपको बेबी की जो मूवमेंट्स है उसे काउंट करते रहना है किसी भी रिस्क से बचने के लिए। तो अब काउंट कैसे करना है, तो दिन में 2 से 3 घंटे में लगभग 4 से 10 किक यानी मूवमेंट होती है वो बच्चे की आपको फील होगी। दिन में कभी भी 2 से 3 घंटे के बीच में आप देख लो तो जो 4 से 10 किक्स होती हैं, मूवमेंट होती है, हलचल होती है, वो आपको महसूस होगी। इतना तो होता ही है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप बच्चे की किक को काउंट कर रहे हो आप रिलैक्स हो, आप लेटे हो, क्योंकि आप जितना स्थिर रहोगे, जितना रिलैक्स रहोगे, उतना ही आसानी से आप जो बच्चे की मूवमेंट है, बच्चे की किक्स है, वो आप फील कर पाओगे, बेहतर तरीके से आप फील कर पाओगे और क्लियरली भी महसूस कर पाओगे। लेकिन जब वही आप काम करते रहोगे, घर के काम में बिजी हो, और तब आप सोच रहे हो कि बच्चा किक करेगा किक करेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो और बच्चा उसे मूवमेंट पे किक करेगा, बच्चा अपने हिसाब से किक करता है। और जब बॉडी में हलचल होती है तो बच्चा भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है अंदर कि ये बॉडी में क्या हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो बच्चा ऐसे में कम मूव करता है। और अगर आप बाहर काम कर रहे हैं या फिर किसी काम में बिजी हैं तो ये भी हो सकता है कि आप उस समय आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ कि आपके बच्चे ने किक किया, मूव किया या नहीं। तो जब भी आप बच्चे की किक्स फील कर रहे हो, मूवमेंट्स ध्यान देना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप रिलैक्स रहें। आप चाहें तो बेड पे लेट जाएं, थोड़ा सा आराम करें, बॉडी को रिलैक्स करें, और देन उसके बाद में आप ध्यान दें तो आपको आपके बच्चे की जो मूवमेंट है, जो किक्स है, वो डेफिनेटली फील होंगी। अब ये जो फीलिंग है ये बिल्कुल अलग होती है ना, आपको ऐसा फील होगा कि आपके पेट में कुछ हलचल हुई, कुछ हिला, कुछ उठा, या फिर किसी तरह का जो हिट वाला फील होता है, इस तरह का फील आपको आपके पेट में होगा। ये पेट के किसी भी हिस्से में हो सकता है, निचले हिस्से में हो सकता है, ऊपरी हिस्से में हो सकता है, दाएं तरफ या बाएं तरफ, किसी भी हिस्से में कभी भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपको एक बार बाएं तरफ किक फील हुई, मूवमेंट फील हुई, तो अगली बार भी आपको बाएं तरफ ही फील होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि बच्चे ने करवट ली हो, या फिर उसने पैर हिलाया हो, या फिर हाथ हिलाया हो, या फिर सर को थोड़ा सा मूव किया हो, तो हो सकता है कि आपको जो दूसरी किक है, दूसरी बार जो मूवमेंट है, वो दूसरे साइड में किसी और तरफ फील हो। तो गाइस ये तो थी कुछ बातें बच्चे की मूवमेंट, हलचल और किक्स के बारे में। आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्प भी करेगा, आपको मदद जरूर करेगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हर एक माँ के लिए जो फीलिंग होती है ना बच्चे की किक वाली, ये बहुत स्पेशल होती है और बहुत मैजिकल होती है। तो हो सकता है कि उसे इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिले। और अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। Stay happy and bye-bye.